नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी देखिए, अभी हो रखा है शाम का समय, मतलब तो रात का ही मान लीजिए, शाम तो नहीं हो रखी है, हाँ अभी हो रखा है रात का समय। और मेरे बर्तन पड़े हैं मांजने के लिए, दोपहर के खाने के और शाम की चाय के। अभी कर रही हूँ खाने की तैयारी, तो काली मसूर बनाऊंगी मैं खाने में, और रोटियां बनाऊंगी, चावल भी बनाऊंगी आज। तो देखते हैं कितनी देर में कर पाते सारा काम, आधे घंटे अंदर हो जाना चाहिए सारा काम ना। अभी 8 बजने वाले मेरे ख्याल से ना, तो 8:30-9 तक रसोई के सारे बर्तन, रोटी और दाल हो जानी चाहिए। देखते हैं कितनी देर लगती है। तो चलिए लगते हैं आज के काम पर। तो पहले मैं दाल उबाल उबलने रख दूंगी, उसके बाद ही बर्तन वगैरह साफ करूंगी ना, जल्दी काम हो जाएगा ऐसे ना। तो जब तक दाल उबलेगी मैं पहले बर्तन लगाऊंगी, फिर बर्तन मांजूंगी और फिर आटा गूंथूंगी, दाल छोबूंगी, ऐसे करूंगी। तो चलो रसोई का काम खत्म, अब बर्तन मांजने। जो खाना बनाने के बने हैं नहीं, जो खाना बनाने के गंदे हुए हैं वो। सोना, ए सोना क्या हो रहा है?
तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में, और यहाँ पर मैं चादरों की तह कर रही थी। ये चादरें ना मैंने कल धोई थी, और जगह नहीं थी कहीं सुखाने की, कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे धोने के लिए भी, तो फिर मैंने इनको आज सुखाया विंडो में। और अभी मैं सोची जरा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, कुछ कपड़े तो प्रेस कर चुकी हूँ, कुछ रह रहे हैं, क्योंकि जब से त्यौहार लगे तब से मैंने एक दिन भी कपड़े प्रेस नहीं करे, बस धोती थी, सुखाती थी उनको और कुर्सी पर रख देती थी। इस तरीके से पूरा ढेर लगा पड़ा था कपड़ों का, तो कुछ मैंने दिन में प्रेस कर लिए थे। मैंने कहा चलो कुछ अभी प्रेस कर लूँगी, तो ऐसे धीरे धीरे काम करते करते बीच बीच में प्रेस भी कर रही थी मैं। और बस मैं पूछ रही थी सोना से कि सोना खाना लेकर के आ जाऊँ क्या, तो उसने बोला कि क्या बनाया है, मैंने काली दाल बनाई है, तो उसने कि हाँ ले आओ, पूछ क्यों रहे हो। मैंने कहा अरे भाई पूछ के लाना पड़ता है ना इसलिए। तो बस फिर मैंने कहा चलो देखती हूँ। फिर मेरे को रैना ने आके बोला कि पापा का फ़ोन आया था, तो पापा बोल रहे कि पिज्ज़ा लेकर के आएंगे। दरअसल हुआ कि बच्चों ने उनको फ़ोन करा होगा, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि अरे मैंने तो ये पिज्ज़ा खाया है तो मैं खाना कम खाऊंगा। तो बच्चों को लगा कि आपने खुद ने पिज्ज़ा खा लिया और हमारे लिए पिज्ज़ा लेके नहीं आ रहे हो पापा, तो कह रही पापा फिर हमारे लिए भी पिज़्ज़ा लेकर के आओ। तो उसके पापा ने बोला चलो ठीक है मैं लेकर के आऊँगा। तो नैना आके मुझको बता रही थी कि मम्मी पापा ना पिज़्ज़ा लेकर के आएंगे, और इसलिए तो मैंने कहा चल ठीक है लेकर के आएंगे, तो भाई इंतज़ार करो और लाएंगे तो खा लेना, वैसे तो मैंने खाना बना रखा है, नहीं लाएंगे तो फिर रोटियाँ खा लेना। तो अभी बस मैं चादर उठा के अलमारी में रख दी हैं, और ये देखो कितने सारे कपड़े हैं ना, अभी तो और भी हैं कपड़े ना प्रेस करने के लिए, और इससे ज़्यादा मैं प्रेस कर चुकी हूँ। वो देखो उधर रखे हैं टेबल पर, कुछ रखे हैं पलंग पर, इसलिए तो ये देखो आ गई नैना। और नैना मुझे यही बताने के लिए आई थी कि पापा तो पिज्ज़ा लेकर के आएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो नहीं लाएंगे। उन्होंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा, और देखो फिर तो इतने सारे पिज्ज़ा लेकर के आए। इतने सारे देखियो मैंने खाना नहीं बना रखा, सोना रुक जा बेटा, सब सब बिखर जाएंगे। नैना खोल ले, खोल ले और इसको अंदर रख दे, बाकी को उठा के पंखा चला, थोड़ा ठंडा हो जाएगा वरना जल्दी से। और बीवी परेशान, क्या आ गया खाने के लिए, मैं तो रोटी खा चुकी हूँ। किचन में नहीं होगी कैंची, यहाँ होगी पीछे कमरे में। कहा था ना भगवान की बनाई चीज काम आती है, दिमाग ही नहीं काम आता, भगवान का बनाया हुआ बस है ना, भगवान की बनाई चीज हमेशा काम आती है। पहले एक पीस निकाल, बाकी को टेबल पे रख दे, पूरा पन्नी उठा कर शो ना बेटा, कपड़ों को मत लेटो। ए लड़की नहीं खानी होती, सॉस वॉस नहीं डालती कुछ भी, वो उसको उधर रख दे। अम्मा के लिए एक प्लेट लिया, प्लेट में रख के दे दे अम्मा को। शोना रुक जा बेटा, तू तो बड़ी आफत मचा रही शोना। ये ला माला पिज्जा उधर, हाय हाय गरम है। एक प्लेट इसके लिए भी ले आनी थी नैना, गरम है ना इसलिए खा ले के अंदर पिज्जा। मैं ना खा नहीं जाऊं, ये ले बेटा तू ये खा, ये ले खा लिया अभी। ठीक है बेटा इसको मैं खाती, इसको प्लेट में रख के खा। हाँ तो प्लेट में रख ले। ठीक है बस ये एक पिज्जा तेरे पास सारे बेटा, तो खा लेगी सारे, चल वो तो रोटी भी खा लेगी। खा लो, खाओ खाओ, बाहर की चीजें खूब खाओ। चल चल खा ले, खा ले, गिनती मत कर, खा ले शोना, खा ले बेटा। ए, नहीं, रक, रक। अच्छा दो दो बड़े पीस तू ही खाएगी ना मतलब? ओहो ना, चार डिब्बे हैं बेटा, लड़ लो खाने के लिए, मिलेगा थोड़ा ना फिर तुम्हें, कोई और खा जाएगा ना करके। ए बड़ी बहन है तेरी, ये देखो ये है वो चूहा, दिख रहा है आपको, ये देखो इतना मोटा चूहा कहाँ से आया, ये ऊपर कमरे में था और नैना के ऊपर कूद गया कल ना, और फिर ऊपर से नीचे आ गया तो इधर हमारे कमरे में खटर पटर करने लगा। कल तो नहीं आया दाव में ना, आज आ गया।
इसे मिला के हम तीन चीहे पकड़ चुके हैं, मतलब दो चीहे और एक ही चूहा बड़ा सा। ये देखो सुंदर तो बहुत लगता है देखने में ना। हाँ भाई कैसे हाँ, और मेरे को डर लग रहा है निकल के ना भाग जाए, क्योंकि बहुत शैतान लग रहा है मेरे को तो। ये ना देखो कैसे मुंह से ना खोलने की कोशिश कर रहा है इसको, और ये कहीं खोल ना दे सच्ची में ना। ये चूहेदान थोड़ा ऐसे हो रखा है ना, इसलिए रात को ही फेंकवाना पड़ेगा ये, या सुबह तक तो खुद ही निकल के भाग जाएगा। अभी बुलाती नैना को ना, बोलती से फेंक करके आ। अब मेरे पिंजरे को मैंने इस तरफ कर दिया है दीवार के साथ ना, ताकि निकले ना, कहीं मेरे बुलाने तक निकल के भाग जाए। नैना जल्दी आ, नैना चूहा आ गया। नैना अरे वो मोटे वाला चूहा आ गया, गजेंद्र से बोलो छोड़ के आ जाएगा अभी, तो आप आओ नीचे छोड़ के आओ इसको। देख नैना जंगली चूहा यही है हा? या कोई और है? कोई और नहीं, यही है, यही था। ना हिलाई मत, वरना निकल के भाग जाएगा बेटा। अरे बाप रे कितना बड़ा है, इससे ही बड़े होते बेटा चूहे। कितना बड़ा है, इतने चूहे हैं चिया। मुझे क्या पता। क्या हो गया, तो डर के भाग गई थी? हाँ यार मुझे वो नीचे भी आया हाँ? कर रहे हो पालने से, यहाँ पालने के लिए है। हाँ हाँ वही तो, ऐसे ही तो कर रहा है, बहुत जद्दोजहद कर रहा है। निकल दे किशोर ना, बिल्कुल मत छेड़ना बेटा, काट लेगा ये, फिर घर में रह जाएगा ना बेटा, बाहर फेंक के आएंगे। पापा को, पापा को बुला के ला जल्दी से, जा बुला के ला पापा जी को। ए नैना निकल जाएगा, ताकतवर नहीं ताकतवर, तेरा बच्चा भी पकड़ लिया तेरे को भेजी, ता मुझे क्यों जलाया? हाय बेटा तूने मेरे को तो परेशान करा था ना चूहे, तेरे ऐसे मैं ऊपर कमरे में नहीं जाती थी। चल जा जल्दी जा लेके आ पन्नी, सुना नखुन नहीं खा, पापा को बुला के ला फटाफट से, पाल लो उसे भी पाल लो, बुला के है फिर क्यों लगाया पिंजरा? अरे आप गिरी पिक कर रहे हो, और ये देखिए बस अब कपड़ों के ना मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं, कुछ कपड़े वो तह लगाने हैं ना, तो उनको तह लगाऊ के रख देती हूँ, मेरा काम खत्म पूरा, किचन का काम भी हो गया है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। अभी मैंने जस्ट पिंजरा लगा करके आई थी, और मैं सोच रही कि ना अंधेरा कर देती हूँ, और वो क्योंकि ना मुझे आवाज़ आ रही थी मंदिर में खटपटर करने की ना, और मैं आके ना तह लगा रही कपड़ों की, मैं सोच रही अब फंस जाएगा वो चूहा ना इसमें, और तुरंत मतलब मैंने सोचा और उधर वो फंस भी गया इतनी जल्दी। कुछ और मांगते शायद भगवान वही पूरा कर देता, चलो कोई नहीं, तो आखिर फंस ही गया। कल हमने इतनी जद्दोजहद करी से पकड़ने की ना, वहाँ पेपर दे के ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा था, आज आखिर हाथ में आ गया। अब गए छोड़ने के लिए, देखो भाई छोड़ के आते हैं कहाँ, मैंने कहा रोड पर छोड़ के आना, इसे हमारे ब्लॉग में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो बस सारे काम हो गए, सारे कपड़े प्रेस हो गए, देखो आपको दिखाती हूँ। और ये देखो ये कपड़े हैं, इनको भी लगाऊंगी अलमारी में अपने, इनके और सोना के लगा दूंगी, क्योंकि नैना की अलमारी ऊपर है तो उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना तब करके। और देखो बीवी सोई पड़ी है, और वो पिज्जा खा के कूड़ा बाहर इकट्ठा हो रखा है, हैप्पी आधा सोया आधा जगा है। और टाइम मैं आपको बताऊं तो 12:05 है, इतना टाइम हो रहा है। पर हाँ ये है कि काम खत्म हो गया, मेरा कपड़े प्रेस करने का जो काम, मेरा कपड़े प्रेस करने का जो काम था वो फिनिश हो गया, मतलब पूरे हफ्ते भर से भी ज्यादा हो गया मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे, जब से सफाई में लगी थी तब से मैंने कपड़े प्रेस करे ही नहीं थे, इतने सारे कपड़े प्रेस के लिए रखे थे, एक काम से निपट गई मैं आज। चलो जी अब इस वीडियो का ही एंड करते हैं, अब कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।